नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम टेरिडोफाइटा पढ़ रहे थे और पूर्व के वीडियो में हमने टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन तक देख लिया था। आज हम टेरिडोफाइटा के जो प्रभाग थे, डिवीजन थे, तो उन डिवीजनों के मुख्य लक्षण और उनमें सम्मिलित जो पौधे हैं, यानी एग्जाम्पल्स हैं, वो हम देख रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर हमने जब क्लासिफिकेशन देखा था तो हमने केवल ऑर्डर तक देखा था। अब उसमें कौन कौन से पौधे आते हैं ये हमने वहाँ पे नहीं देखा था। तो आज हम एक तो पहले प्रभाग है उनके लक्षण देखेंगे और फिर उस प्रभाग के अंदर कौन कौन से पौधे आते हैं। और मैंने कोशिश ये की है कि उन पौधे की भी कुछ विशेषताएं, सभी तो हम नहीं रख सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण और विशेषताएं हैं और वहां से क्वेश्चन उठते हैं, तो उनको भी इसमें सम्मिलित कर रखने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रभाग आता है, आपको ये पता है कि टेरिडोफाइटा के अंदर चार प्रभाग हैं, तो उसमें पहला प्रभाग आता है साइलोफाइटा, डिवीजन साइलोफाइटा। तो साइलोफाइटा के जो पौधे हैं उनके कौन कौन से लक्षण उनके अंदर होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो हम देख रहे हैं इसमें। तो इस प्रभाग के जो टेरिडोफाइट है, सबसे प्राचीन संवहनीय पादप है, ओल्डेस्ट वस्कुलर प्लांट। यानी ये पौधे टेरिडोफाइटा में सर्वप्रथम उद्भव होने वाले पौधे थे और इन पौधों के अंदर वस्कुलर जो टिश्यू है, संवहन ऊतक जो है, सबसे पहले मिलते थे। तो सबसे प्राचीन संवहनीय पादप हैं ये, कौन से, साइलोफाइटा के। इनका जो पादप शरीर है वो बीजाणुभिद होता है और बीजाणुभिद जो पादप शरीर है वो भूमिगत प्रकंद व वायवीय शाखाओं से बना हुआ होता है। इनमें वास्तविक मूलों का अभाव पाया जाता है, प्रकंद पर मूलाभास पाए जाते हैं। देखिए, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, तो हमने इनकी जो एफिनिटीज थी वो भी हमने देखी थी कि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से एफिनिटीज दर्शाता है, समानताएं भी दर्शाता है और अंतर भी दर्शाता है। ऐसे ही जिम्नोस्पर्म के साथ में ये अपनी समानताएं और विषमताएं प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो टेरिडोफाइटा के जो पौधे हैं, इनमें शुरुआत वाले जो वर्ग है इनके अंदर क्या है, वास्तविक मूल नहीं होती है, इनके अंदर मूलाभास होते हैं। मूलाभास वैसे ब्रायोफाइटा का मुख्य लक्षण है। तो ये पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट है, इनमें सामान्य पर्ण प्राय अनुपस्थित होती हैं, पर्ण जो होती हैं वो भी इनके अंदर नहीं होती हैं। वायवीय शाखाओं पर सल्की पर्ण लगी हुई होती है, इसके लिए लीव्स जो होती हैं वो इनके अंदर पाई जाती हैं। बीजाणु धानियां जो हैं तने की शाखाओं के सिरे पर विकसित होती हैं, अर्थात वे स्तंभिक या क्यूलाइन होती हैं। स्तंभिक यहाँ पर स्पोरेंजिया होती हैं, क्योंकि पर्ण जो होती हैं, सामान्य पर्ण जो होती हैं वो एबसेंट होती है इनके अंदर। तो जो स्पोरेंजिया जो होती हैं वो शाखाओं के सिरे पर या तने पर ही लगी हुई होती हैं, जिसको स्तंभिक या क्यूलाइन स्पोरेंजिया कहते हैं। सभी जो टेरिडोफाइट हैं इस प्रभाग के, वो सारे स्तंभ बीजाणु के होमोस्पोरस हैं। हेटरोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, लेकिन आगे मिलेगी। यहाँ पर ये क्या है, सभी होमोस्पोरस कंडीशन में होते हैं, सभी स्तंभ बीजाणु को होते हैं। इनमें ठोस रंभ या प्रोटोस्टील पाया जाता है, और प्रोटोस्टील में क्या होता है, केंद्रीय जाइलम को चारों ओर से फ्लोएम घेरे रहता है, पित्त का उसमें अभाव होता है। द्वितीयक वृद्धि है वो इनके अंदर नहीं पाई जाती है। तो ये सात मुख्य पॉइंट हैं साइलोफाइटा के। उदाहरण की यदि हम बात करें कि साइलोफाइटा के अंदर कौन कौन से पौधे आते हैं, तो ये देखिए कौन कौन से पौधे हैं, राइनिया, हॉर्नियोफाइटोन, याराविया। तो इनमें से ये जीवाश्मीय पौधे हैं, वर्तमान में जीवित पौधे ये नहीं हैं। कैसे हैं, जीवाश्म हैं। अब इनके केवल जीवाश्म मिलते हैं, राइनिया, हॉर्नियोफाइटोन और याराविया, और साइलोटम और मेसिप्टेरिस, ये दो पौधे हैं वर्तमान में इस प्रभाग के। केवल ये दो जीवित वंश बचे हुए हैं, केवल दो ये ही जीवित वंश हैं, साइलोटम और मेसिप्टेरिस। हम फॉसिल्स प्लांट में राइनिया है उसका डिटेल से पढ़ते भी हैं, और साइलोटम है इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो ये विशेष रूप से आप याद रखना है कि ये राइनिया जो है वो जीवाश्मीय पौधा है और साइलोटम जो है वो वर्तमान में जीवित वंश है जो साइलोफाइटा का है। इसमें राइनिया से संबंधित मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ऐड किया, जो कई बार पूछा जाता है कि
कि राइनिया जो वंश है इसके जीवाश्म किंड स्टन व लैंग द्वारा, ये वैज्ञानिकों के नाम हैं, इन्होंने स्कॉटलैंड के एडरडीन शहर क्षेत्र में स्थित राइनी नामक स्थान से 1917 में प्राप्त किए थे। इसी कारण इसका नाम राइनिया रखा गया था। तो ये जो राइनिया का जो वंश है, ये राइनिया वंश है, इसके जो जीवाश्म जो खोज करी थी वो कहां पर की गई थी, तो ये राइनी नामक स्थान पर हुए थे, स्कॉटलैंड के राइनी नामक स्थान पर 1917 में किंड स्टन और लैंग के द्वारा इनको खोजा गया था, प्राप्त किया गया था। ठीक है, अब हमारा आता है दूसरा प्रभाग, प्रभाग लाइकोफाइटा, डिवीजन लाइकोफाइटा, लाइकोपोड बोलते हैं इनको सामान्य रूप से, हमने देखा था क्लासिफिकेशन में। तो इनका जो बीजाणुभिद पादप है, शरीर है, वो जड़ तना और पत्तियों में विभेदित होता है। शुरुआत का जो साइलोफाइटा था उसमें जड़ भी वास्तविक मूल एब्सेंट होती थी, रुगाइजोट्स मिलते थे, पर्ण है जो सामान्य पर्ण है वो एब्सेंट थी उनके अंदर, केवल जो सल्की पर्ण है वो उनके अंदर मिलती हैं। यहाँ पर ये पादप शरीर जो होता है बीजाणुभिद होता है और जड़ तना पत्तियों में विभेदित होता है। इनमें जो पर्ण होती हैं सरल व लघु पर्णी होती हैं, लघु पर्णी होते हैं, छोटी पर्णे वाले पौधे हैं, माइक्रोफाइलस होती हैं। स्लेजिनेल व आइसोइट्स, ये स्लेजिनेला है, इसको स्लेजिनेला कर लेना, स्लेजिनेला व आइसोइट्स में प्रत्येक पत्ती के आधार पर एक लिग्यूल होती है। ठीक है, बीजाणु धानियां एकल रूप से बीजाणु पर्णों यानी स्पोरोफोल्स की जो अभ्यक्ष सतह है, एडेक्सियल सरफेस है, उस पर पाई जाती हैं, और अधिकांश सदस्यों में बीजाणु पर्ण शाखाओं के शीर्ष पर सहत या सलत, स्ट्रोबाइलस या कॉन बनाती हैं। तो कॉन के रूप में ये स्पोरेंजिया है वो व्यवस्थित हो सकती हैं। इस समूह के पौधे संबीजाणुक व विषम बीजाणुक होते हैं, यानी यहाँ पर दोनों प्रकार के स्पोर संबीजाणुक पौधे भी होते हैं, विषम बीजाणुक पौधे भी होते हैं, जिनमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों प्रकार के स्पोर बनते हैं। अगर हम संबीजाणुक लाइकोफाइट की बात करें तो उनमें लाइकोपोडियम और फिलोग्लोसम आता है, और विषम बीजाणुक की बात करें तो स्लेजिनेला, आइसोइट्स और स्टाइलाइटिस, ये तीन पौधे हैं, स्लेजिनेला, आइसोइट्स और स्टाइलाइटिस, तो ये तीन विषम बीजाणुक होते हैं। यहाँ पर भी रंभ की बात करें तो प्रोटोस्टोल प्रोटोस्टील ही होती है, ठोस रंभ ही होती है, जहाँ पर केंद्र में तो क्या होता है जाइलम को चारों ओर से फ्लोएम घेरे रहता है, मज्जा का अभाव पाया जाता है। कुछ जो जीवाश्मीय पौधे हैं उनमें नाल रंभ भी मिलता है। इनमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, परंतु अपवाद स्वरूप जो आइसोइट्स है उसमें असंगत द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है वो मिलती है। किसके अंदर मिलती है? आइसोइट्स के अंदर। तो ये विशेष रूप से आपको याद रखना है कि जो आइसोइट्स है, ये जो आइसोइट्स है इसके अंदर एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है वो पाई जाती है। तो ये लाइकोफाइट है, इनके मुख्य लक्षण हो गए। चलिए अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, उदाहरण। तो इसके अंदर उदाहरण कौन कौन से आते हैं, वैसे हमने देख ही लिए थे, हमने संबीजाणुक और विषम बीजाणुक में। पहला आता है लाइकोपोडियम। देखो लाइकोपोडियम के ये कॉमन नेम पूछे जाते हैं, इसको कल्ब मॉस भी कहा जाता है, कॉमन कल्ब मॉस, क्रीपिंग पाइन भी कहा जाता है, ग्राउंड पाइन भी कहा जाता है, और तल सर्पी सदाबहार, ये इसके और नाम है जो लाइकोपोडियम के हमको याद रखने हैं। दूसरा फिलोग्लसम, ये दोनों कैसे होते हैं? संबीजाणुक होते हैं। स्लेजिनेला, आइसोइट्स और स्टाइलाइटिस, जो ये तीनों हैं ये कैसे होते हैं? विषम बीजाणुक होते हैं। स्लेजिनेला जो होता है इसको लिटिल कल्ब मॉस कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम स्पाइक मॉस भी है, इसी का तीसरा नाम बर्ड्स नेस्ट मॉस भी है। ठीक है, बर्ड्स नेस्ट मॉस है उसके नाम, किसको जानते हैं? स्लेजिनेला को जानते हैं। इसको संजीवनी पादप या पुनर्जीवनी पादप भी कहा जाता है, इसको विशेष रूप से याद रखें कि संजीवनी पादप है उसको किसे कहा जाता है? तो स्लेजिनेला को कहा जाता है। आइसोइट्स का हमने देख ही लिया था कि आइसोइट्स जो होती है इसके अंदर एबनॉर्मल या एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, और इसको सामान्य नाम जो इसका है वो है क्विलवर्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? क्विलवर्ट है। तो ये जो और जो नाम है ना, इनके सामान्य नाम कॉमन नेम, इनको हमको विशेष रूप से याद रखना। ये पूछे जाते हैं कि क्विलवर्ट के नाम से किस टेरिडोफाइट को जाना जाता है। अब इसमें एक बार एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, निम्न में से कौन सत्य मॉस नहीं है? तो फिर आपको वहां पर मिलेंगे ऑप्शन,
मॉस क्या होते हैं, ब्रायोफाइटा के जो मॉसेज जो वर्ग है उसके सदस्य हैं वो मॉस होते हैं। तो ये सत्य मॉस नहीं है सिलैजिनेला, लेकिन नाम के आगे क्या है, मॉस लगा हुआ है, लिटिल कल्ब मॉस, स्पाइक मॉस या बर्ड्स नेस्ट मॉस इसको कहा जाता है। तो ये एक सत्य मॉस नहीं है। सत्य मॉस कौन से होते हैं, ब्रायोफाइटा के मॉसेज वर्ग जो है उसके अंदर जो आते हैं, ब्रायोप्सिडा जो वर्ग है उसके अंदर जो आते हैं। तो ये आपका लाइकोफाइटा हो गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं, तीसरा प्रभाग आता है स्पिनोफाइटा, डिवीजन स्पिनोफाइटा। तो डिवीजन जो स्पिनोफाइटा है इनके सदस्यों को सामान्यतः हॉर्स टेल्स कहते हैं। विशेष रूप से पूछा जाता है कि हॉर्स टेल है वो कौन से प्रभाग को कहा जाता है या कौन से प्रभाग के सदस्यों को कहा जाता है, तो स्पिनोफाइटा के सदस्यों को कहा जाता है। इनका बीजाणुधित पादप शरीर जो होता है जड़ तना और सल्की पर्णों में विभेदित होता है। तने पर स्पष्ट पर्व व पर्व संधियां इनके होती हैं। पर्व संधियों पर सल्की पर्ण उपस्थित होती हैं तथा पर्व पर अनुदैर्ध्य उभार व खांच होते हैं। स्पोरेंजिया जो है स्पोरेंजियोफोर पर विकसित होती हैं। बीजाणु धानीदार यानी स्पोरेंजियोफोर सहित होकर के स्टोबाइलस का निर्माण करते हैं, स्टोबाइलस बनाते हैं। इस समूह की जातियां जो हैं, जीवित जातियां जो हैं, समबीजाणु का है, होमोस्पोरस है, परंतु कुछ विलुप्त जो जातियां हैं वो विषम बीजाणु थी। वर्तमान में जीवित जातियां होमोस्पोरस ही हैं। तने में ठोस रंभ प्रोटोस्टील या नाल रंभ साइफोनोस्टील पाया जाता है। द्वितीयक वृद्धि इनके अंदर नहीं होती। देखो टेरिडोफाइटा में द्वितीयक वृद्धि नहीं मिलती है केवल आइसोइट्स के अलावा। तो ये इसके स्पिनोफाइटा है उसके सामान्य लक्षण हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे उदाहरण के लिए, चलिए स्पिनोफाइटा जो है इसके उदाहरण में आता है इक्विसिटम। ये एक ही पादप है, ठीक है, इसमें केवल एक ही है। इसका जो सामान्य नाम है वो है इसको पाइप्स, हॉर्सटेल, स्कोरिंग रसेज, ये इसके सामान्य नाम है। इस डिवीजन का एकमात्र जीवित सदस्य, इस प्रभाग का केवल यही सदस्य है वो जीवित है, कौन, इक्विसिटम। इक्विसिटम के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको पाइप्स के नाम से किसे जानते हैं या हॉस्टेल्स के नाम के किसे जानते हैं, टेरिडोफाइटा का ऐसा कौन सा प्रभाग है जिसमें केवल एक ही जीवित सदस्य है, तो वो ये स्पिनोफाइटा है जिसमें इक्विसिटम पाया जाता है। इक्विसिटम जो होता है इसकी जातियां मिट्टी में खनिज पदार्थों की उपस्थिति दर्शाती है, अतः इन्हें पारिस्थितिक सूचक है, इकोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। वैसे इकोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में और भी बहुत सारे पौधे हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन टेरिडोफाइटा के संदर्भ में इक्विसिटम को हमको विशेष रूप से याद रखना है कि इक्विसिटम जो है ये इकोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। इसको गोल्ड इंडिकेटर भी बोलते हैं। देखिए इक्विसिटम का प्रयोग स्वर्ण सूचक या गोल्ड इंडिकेटर के रूप में किया जाता है। गोल्ड जहां होता है वहां उगता है ये इक्विसिटम। में प्रत्येक बीजाणु में चार इलेटर जुड़े होते हैं। इलेटर बीजाणु धानी के स्फुटन में सहायक होते हैं और बीजाणुओं के प्रकीर्णन के समय पैरासूट की भांति कार्य कर इन्हें दूर तक उड़ा ले जाते हैं। देखिए ये इलेटर्स जो होते हैं, हमने बात करी थी जब टेरिडोफाइटा के रिप्रोडक्शन हमने जब देखा था तो वहां पर भी हमने बात करी थी इलेटर्स के बारे में। इलेटर्स जो होते हैं ये ब्रायोफाइटा का मुख्य लक्षण है। ब्रायोफाइटा में तीन वर्ग हैं, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और ब्रायोप्सिडा या मोसेज जिसको बोलते हैं। तो जो लीवर वर्ट जो हैं उनके अंदर क्या है, वास्तविक इलेटर्स मिलते हैं जो बीजाणुओं के प्रकीर्णन में हेल्प करते हैं। और स्पिनो ये क्या नाम से आपके जो एंथोसरोटॉप्सिडा या जिसको हम क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल गया मेरे, एंथोसरोटॉप्सिडा जो है जिनको जिनके अंदर आभासी लेटर्स मिलते हैं, उनके अंदर क्या मिलते हैं, आभासी लेटर मिलते हैं। वो स्थूलन का अंतर है जो हमने उसमें डिटेल से पढ़ाया भी था। यहाँ पर टेरिडोफाइटा में इलेटर सामान्य लक्षण नहीं है, केवल इक्विसिटम जो है उसके बीजाणुओं से इलेटर्स जुड़े मिले जुड़े पाए जाते हैं, काम वही करते हैं बीजाणुओं के प्रकीर्णन का। अगला पॉइंट आता है इक्विसिटम एक ऐसा टेरिडोफाइट पादप है जो मरुद्भिदि यानी जीरोफिटिक व जलोद्भिदि यानी हाइड्रोफिटिक दोनों ही प्रकार के लक्षण इसके अंदर मिलते हैं, दोनों प्रकार के आवासों के लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इक्विसिटम के संदर्भ में हमको ये चीज भी विशेष रूप से याद रखनी है। कर्सर रुक गया है ये, मैं अभी थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। कहाँ चला गया, नेक्स्ट।
टेरिडोफाइटा का जो चौथा प्रभाग आता है वो फ्लीकोफाइटा या टेरोफाइटा, डिवीजन फ्लीकोफाइटा और टेरोफाइटा। तो इस प्रभाग के सदस्यों को सामान्यतः फांस के नाम से जानते हैं। टेरिडोफाइटा का सबसे बड़ा और सबसे विकसित प्रभाग ये है। इनका जो बीजाणुभित पादप शरीर होता है वो जड़, तना और पर्णों में विभेदित होता है। पर्णे जो हैं वो प्राय बड़ी ग्रुपर्णी यानी मैक्रोफाइलस व पिच्छाकार संयुक्त होती हैं। ये इनकी पर्णे कैसे होती हैं, बड़ी होती हैं, ग्रुपर्णी है ये। इन्हें प्रपर्ण या फ्रॉन्ट्स कहा जाता है। ऑफियोग्लोसम में पर्ण सरल होती हैं। पर्णों के रैकिस भूरे रंग के बहुकोशिकीय रोमों से ढके रहते हैं, जिन्हें रेमेंटा कहा जाता है। तरुण पर्णे सर्पिल रूप से कुंडलित होती हैं। यह पर्णों का विशिष्ट लक्षण है। देखो पत्तियों के संबंध में आपको ये जो टेरिडोफाइट जो पौधे हैं इसको विशेष रूप से आपको याद रखना है। एक तो ये गुरुपर्णी होते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो पर्ण है उनको प्रपर्ण या फ्रॉन्ट्स कहा जाता है, और इन पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं जिनको रेमेंटा कहा जाता है। और इनकी जो तरुण पर्णें जो होती हैं वो सर्पिल रूप से कुंडलित या सर्सिनेटली कॉइल्ड ये प्रदर्शित करती हैं। तो ये पर्णों का एक विशिष्ट लक्षण है, इसको विशेष रूप से आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, जो स्पोरेंजिया हैं वो प्राय बीजाणु पर्णों यानी स्पोरोफिल्स की अपाक्ष सतह या डोर्सल सरफेस और एबेक्सियल सरफेस पर विकसित होती हैं। ऑफियोग्लोसम में बीजाणुधानी युक्त स्पाइक पत्ती के कक्ष से उत्पन्न होता है। ये हमने पहले भी जो लक्षण है वहां पर देख लिए थे। और इसमें क्या है, समबीजाणुक और विषम बीजाणु दोनों ही प्रकार के आते हैं। लाइकोफाइटा में हमने देखा था, लाइकोफाइटा में तीन वर्ग थे, तीन जीनस थे जिनके अंदर विषम बीजाणुकता मिलती है। तो पांच, आठ की मिलती है। टेरिडोफाइटा के अंदर कितने वर्गों में मिलती है, आठ के अंदर मिलती है विषम बीजाणुकता। तो पांच जो जीनस हैं वो यहाँ पर हैं, किसमें, टेरोफाइटा के अंदर, जिनमें विषम बीजाणुकता पाई जाती है। तो समबीजाणुक तो टेरिडियम, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और रेडिएंटम होता है, और विषम बीजाणुक जो टेरिडोफाइट है वो मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया, रेग्निलीडियम और पिलुलेरिया, ये विषम बीजाणु टेरिडोफाइट है। ठीक है, आप केवल विषम बीजाणु को याद रख लीजिए, आठ वंशों को, समबीजाणु बाकी को छोड़ दीजिए कि बाकी और समबीजाणु होते हैं। तो हम केवल विषम बीजाणु को याद रखेंगे कि ये आठ वंश है जो विषम बीजाणु होते हैं। रंभ की बात करें तो इनके अंदर ठोस रंभ, नाल रंभ, नली रंभ, जाल रंभ, बहुचक्रीय रंभ, जितने भी प्रकार की रंभ मिलती है सारी इनके अंदर मिलती है। रंभ का भी एक वीडियो हम बनाएंगे अलग से, जिसमें हम सभी रंभों के बारे में चर्चा करेंगे। और द्वितीयक वृद्धि जो होती है इनके अंदर नहीं होती है, आइसोइट्स में अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है, अब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है वो पाई जाती है। चलिए, तो ये इसके जो टेरिडोफाइटा है इसके लक्षण हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं, हम एग्जाम्पल पे चलें। चलिए अब उदाहरण देखते हैं। ऑफियोग्लोसम पहला एग्जाम्पल है, ऑफियोग्लोसम जिसको एडलर्स टंग फर्न कहा जाता है। ऑफियोग्लोसम को क्या कहा जाता है, एडलर्स टंग फर्न के नाम से जाना जाता है। दूसरा है बोट्रिकियम, इसमें असंगत द्वितीयक वृद्धि एबनॉर्मल या एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। देखो आइसोइट्स तो है ही एक बोट्रिकियम, आइसोइट्स में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आइसोइट्स जो है ये बोट्रिकियम है, ये सामान्यतः इससे संबंधित बहुत कम चांसेज रहते हैं। पहला जो टेरिडोफाइटा में असंगत द्वितीयक वृद्धि आती है तो पहले ऑप्शन पर आपको आइसोइट्स ही मिलता है, बोट्रिकियम बहुत कम पूछा जाता है। वैसे दो पौधे हैं ये, आइसोइट्स और बोट्रिकियम, जिसका हमने जब जनरल करेक्टर हमने देखे थे तो वहां पर भी जिक्र किया था, वहां पे दोनों एग्जाम्पल आपको लिखे हुए हैं। तो बोट्रिकियम को भी अगर आप याद रख सकते हो तो इसको भी कर लेना, आइसोइट्स को तो याद रखना ही है। अगला एग्जाम्पल है एंजियोप्टेरिस कास्तीय फर्न या वुडी फर्न टेरिडोफाइट है ये। मेरेटिया ये भी कास्टीय फर्न है, वुडी फर्न है ये। ऑसमुंडा इसको रॉयल फर्न या फ्लोरिंग फर्न कहा जाता है। एल्सोफिला सबसे बड़ा टेरिडोफाइट है। मार्सिलिया पीपर वर्ट फर्न कहा जाता है, मार्सिलिया क्या है, पीपर वर्ट फर्न होता है। साल्विनिया और एजोला, एजोला एक जलीय फर्न है, एक्वेटिक फर्न है, सबसे छोटा टेरिडोफाइट। देखिए सबसे बड़ा टेरिडोफाइट भी इसी में आता है, सबसे छोटा टेरिडोफाइट भी इसी में आता है। एल्सोफिला सबसे बड़ा टेरिडोफाइट है, एजोला सबसे छोटा टेरिडोफाइट है। ये मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला ये तीनों वाटर फर्न है, जलीय फर्न है, और इनके अंदर जो स्पोरेंजिया हैं वो विशेष संरचना में मिलती हैं, किसको क्या बोलते हैं, स्पोरोकार्प कहा जाता है, बीजाणु फली का जिसको हम कहते हैं। तो
इनके अंदर ही मिलते हैं, मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला के अंदर। और एजोला से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, कौन सा टेरिडोफाइट है जिसका उपयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो वो एजोला है। इसमें साइनोबैक्टीरियम एनाबिना सहजीवी के रूप में पाया जाता है एजोला के अंदर, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। अतः चावल के खेतों में एजोला को डाल करके खेतों की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। ये कई बार पूछा जाता है कि चावल के खेतों में जो भूमि की उर्वरता है उसको बढ़ाने के लिए कौन से टेरिडोफाइट पादप का प्रयोग किया जाता है, तो आपको उसके संदर्भ में याद रखना है एजोला है, उसका प्रयोग किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर के रूप में जब कहीं भी किसी भी तरीके से घुमा करके प्रश्न आता है तो आप एजोला को याद रखना, एजोला ही करना है आपको, क्योंकि टेरिडोफाइट में और ऐसा कोई पौधा है ही नहीं जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग होता है। और उदाहरण की हम बात करें तो इसमें आता है कीलेंथस, इसको सिल्वर फर्न कहा जाता है, टेरिडियम, इसको ब्रैकन फर्न या सन फर्न के नाम से जाना जाता है, टेरिस, ड्राइव टेरिस, ठीक है, एक एडियंटम, एडियंटम से संबंधित भी कई बार क्वेश्चन आता है, जिसमें मैंने ये पे दो पॉइंट लिखे हैं। एडियंटम जो इनसी सम है, इसको चलायान फर्न, वॉकिंग फर्न कहते हैं, वॉकिंग फर्न या चलायान फर्न जो है वो आप स्पीसीज को भी याद मत रखिए, केवल एडियंटम के बारे में याद रख लीजिए कि एडियंटम जो है इसको चलायान फर्न या वॉकिंग फर्न कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, ये नाम जो है इसको कायिक जनन के कारण दिया गया है। इसमें कायिक जनन पत्ती के शीर्ष भाग से होता है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से फैलता है, क्योंकि पत्ती जो होती है वो जैसे ही भूमि को टच करती है तो वो उससे दूसरे पादप को जन्म देती है। तो इसमें जो कायिक जनन जो होता है तीव्र गति से होता है, इसको चलायान फर्न या वॉकिंग फर्न कहते हैं। दूसरा इसका सामान्य नाम है कि इसको दूसरा जो सामान्य नाम है वो कौन से नाम से जाना जाता है, तो ये पूछा जाता है कि कुमारी केस फर्न या मेडन हेयरन फर्न जो है उसके नाम से किस टेरिडोफाइट को जाना जाता है, तो वो भी एडियंटम है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो पर्णग्रंथ हैं काले चमकीले होते हैं, जो स्त्रियों के सुंदर काले बालों से समानता दर्शाते हैं, तो कुमारी केस फर्न के नाम से एडियंटम को जाना जाता है। चलिए आगे और देखते हैं हम। तो ये अब तक जो हमने पढ़ा टेरिडोफाइटा के जो विभिन्न प्रभाग थे उनका विद एग्जाम्पल, उनके लक्षण हमने देखे और उदाहरण जो हमने देखे उनमें से, उनसे संबंधित जो प्रश्न उठते हैं वो भी हमने उनको कोशिश की है उसमें शामिल करने की। मैं आशा करता हूँ कि आपके सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको समस्या है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालें, समस्या को डालें, निश्चित रूप से आपकी समस्या है वो सॉल्व की जाएगी। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही लोगों को भेजें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।